पूरी सुरक्षा और एहतियात के साथ। इटली की कॉफी का स्वाद अब सागर में, वो भी फास्ट फूड, चटपटी चाट, शेक, जूस और आइसक्रीम के साथ। कॉफियानो द इटालियन कॉफी शॉप, पता अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा इंडियन कोरोना वेरिएंट बयान पर बवाल अभी थमा नहीं है। वहीं कांग्रेस की वरिष्ठ नेताओं के भय मुक्त बयानों के खिलाफ सागर जिले के बीना से विधायक ने हमला बोला है और पत्रकार वार्ता कर एडिशनल एसपी विक्रम सिंह को ज्ञापन सौंपा। विधायक का कहना है कि संकट भरे इस समय में भाजपा सरकार इतना कुछ कर रही है लेकिन कांग्रेस झूठे आरोप लगा रही है। गौरतलब है कि पूर्व सीएम कमलनाथ ने 22 मई 2021 को उज्जैन में कोरोना की दूसरी लहर को भारतीय कोरोना वेरिएंट बताया था, जिसके विरोध में विधायक महेश राय ने इस बात का विरोध किया और एसपी के नाम एडिशनल एसपी विक्रम सिंह को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर कार्यवाही को लेकर ज्ञापन सौंपा। इसके अलावा मध्य प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष के अस्थायी कोविड अस्पताल के विरोध को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी समाज में अपने बयानों से भय उत्पन्न कर रहे हैं। आपकी अपनी बात अपनी जगह सही है। मैं इस विषय में ये कहना चाहता हूँ कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग होता है और निष्पक्ष चुनाव आयोग परिस्थितियों देख के चुनाव कराता है। अब ऐसी स्थिति में उनका क्या फैसला था, इस संबंध में मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता, क्योंकि राष्ट्रीय चुनाव आयोग अक्सर चुनाव की घोषणाएं करता है, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो। उससे भी लोगों ने शिकायत की कि उससे नुकसान हुआ है और उससे कोरोना जैसी बीमारी फैली है। मैं इस बात से सहमत हूँ। पार्टी और मध्य प्रदेश की सरकार पर आरोप लगाया गया था कि जो मध्य प्रदेश में जो कोरोना फैला है उसकी देन भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश की सरकार है। आरोप लगाया था कि जो इंडियन वेरिएंट भारतीय कोरोना का जो आरोप लगाया था, उस आरोप से आप सभी लोग परिचित हैं। एक ऐसे समय में जब पूरा देश कोरोना की एक राष्ट्रीय आपदा से गुजर रहा है, हम सबको मिलकर काम करना था। हम सबको मिलकर काम ना करके एक राजनीति इस कोरोना जैसी बीमारी में भी कांग्रेस ने की है। आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारी सरकार इस बात को लेकर, पिछले दिनों सरकार और संगठन ने सभी जिलाध्यक्षों को भी ज्ञापन दिया था कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करती है। साथ में बीना रिफाइनरी में जो हॉस्पिटल बन रहा है 1000 बेड का, उस पे भी लोग ऐसे समय में राजनीति पर उतर आए। पिछले दिनों पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष अरुणोदय चौबे ने भी उस हॉस्पिटल का विरोध किया और उस हॉस्पिटल का विरोध का तर्क उनका ये था कि उस हॉस्पिटल बनने से हमारे क्षेत्र में कोरोना जैसी बीमारी फैलेगी। एक अच्छा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया गया और आज वो लगभग अस्पताल अंतिम उसमें पूर्ण होने की संभावना है और 2-4 दिन में उसका उद्घाटन भी माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय करेंगे। एक ऐसे समय में और साथ में आरोप लगाना कि रिफाइनरी की जो ऑक्सीजन गैस है वो मेडिकल के लिए उपयोगी नहीं है, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ऑक्सीजन की जो मेडिकल गैस है इसकी पूरी जाँचें करने के ही बाद ये हॉस्पिटल में उसकी शुरुआत होगी और इसके सर्टिफिकेट भी मिल चुके हैं, चाहे वो एम्स के डॉक्टर हो, चाहे सेना का डीआरडी के विशेषज्ञों ने भी इसकी मंजूरी दी गई है। उसके बाद ये हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की सप्लाई, तो उसका भी इन्हें विरोध किया है कि ये नुकसानदायक है और कुल मिला के कांग्रेस का काम है कि सरकार का विरोध करना, हॉस्पिटल का विरोध करना और सरकार कोरोना का एक अच्छा काम कर रही है उसका विरोध करना। एक कांग्रेस के अक्सर हमने देखा है कि ऐसे समय में जब आपदा आती है तो कांग्रेस का विरोध करने का एक तरीका।
बीना से रामकुमार अहिरवार के साथ मनोज बाधवानी, सागर टीवी न्यूज। पूरी सुरक्षा और एहतियात के साथ इटली की कॉफी का स्वाद अब सागर में, वो भी फास्ट फूड चटपटी चाट शेक जूस और आइसक्रीम के साथ। कॉफियानो द इटालियन कॉफी शॉप, पता अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश।